देखो अब जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसी में ही आगे की क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी जिसके लिए फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग। फिर सेकंड वाले में भी हम लोग को ए की वैल्यू निकालनी है, यानी कांस्टेंट नंबर की ही वैल्यू निकालनी है। लेकिन दोनों के क्वेश्चन में स्टैंडर्ड में क्या है चेंजेस हैं, तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही छोटे से छोटा तुम क्वेश्चन बना सकते हो और बहुत टफ से टफ क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है इसके अंदर। अब जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट ये सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी। फंक्शन ने कह दिया क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है और हम लोग को बी का रेंज कैलकुलेट करना है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो सबसे पहले इसके एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो ये एफ डैश एक्स कॉस एक्स माइनस बी हो जाएगा। चूंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है इसलिए एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जीरो। और जब ये एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा तो ये कॉस एक्स माइनस बी लेस देन आर इक्वल्स टू जीरो। अब ट्रिग्नोमेट्री के साथ अगर कांस्टेंट की कैलकुलेशन करनी है तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक साइड और कांस्टेंट नंबर को हम लोग क्या ले लेंगे एक साइड। और उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो तो हम लोग पहले उस फंक्शन का क्या निकालते हैं रेंज। अब जैसे कॉस एक्स लिखा हुआ है तो कॉस एक्स का ऑलरेडी हम लोग को रेंज पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है माइनस 1। तो पूरी क्लास की रिक्वायरमेंट जो होगी वो सिर्फ एक ही बात हो गई और वो बात ये है कि बी का वैल्यू कॉस एक्स से क्या होना चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉस एक्स का वैल्यू माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में है और चूंकि बी जो है माइनस 1 और प्लस 1 अब देख रहे हैं कि कॉस जो है माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में है तो बी क्या होना चाहिए कॉस एक्स से ग्रेटर। तो बी कॉस एक्स से ग्रेटर कब आएगा जब वो इधर लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा राइट में। तो तुरंत सबके दिमाग में बात आ गई कि बी जो होना चाहिए वो एग्जैक्टली जो होना चाहिए 1 से क्या होना चाहिए ग्रेटर। लेकिन चूंकि इक्वालिटी साइन यहाँ भी रिप्रेजेंट हो रहा है और यहाँ भी रिप्रेजेंट हो रहा है तो इस वजह से बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1। तो ये आ गए एक क्वेश्चन हमारी बात हुई। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो जब सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात होगी तो ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा डी थीटा ये आएगा। अच्छा अब ये इंटीग्रेशन में लिमिट क्या आ गई वेरिएबल। और जैसे ही इंटीग्रेशन में लिमिट वेरिएबल आ गई तो तुरंत सबके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि न्यूटन लेबनीज फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो जैसे किया तो ये एफ डैश एक्स आ गया और ये वैल्यू क्या आ गई ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 और एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आएगा 1। और फिर आर्टिकल क्या था अपर लिमिट। अब यहाँ चूंकि थीटा इन्वॉल्व है तो अपर लिमिट को हम लोग थीटा के प्लेस में पुट कर देंगे और फिर अपर लिमिट का डिफरेंटेशन लोअर लिमिट कांस्टेंट नंबर तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। और जैसा कि अभी हम लोगों ने बात सीखी है क्या कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ अगर कांस्टेंट नंबर है तो हम लोगों ने क्या बात करी है कि ट्रिग्नोमेट्री को एक साइड और कांस्टेंट नंबर को एक साइड। अब अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो रहा है तो पहले इसको हम लोग क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब जैसे यहां पे बात करी जाए तो ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है हम लोग को यहां पर क्या दिख रहा है कॉस पे पावर 4x साइन पे पावर 4x। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 ये तो लिखा हुआ है और यहां से जो वैल्यू आ गई ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये आ गया और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मेरे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 तो यहां से 1 स्क्वायर और ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 इंटू 2
साइन एक्स कॉस एक्स होल हाफ स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि भाई ये टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा और डिवाइड बाई टू कर दिया तो फाइनली वो कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो डाटा आ गया वो क्या आ गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस वन। सॉरी इसमें एक काम कर लेते हैं, ये भी प्लस वन ये भी है तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, प्लस टू और माइनस वन बाई टू, ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर टू एक्स। अब चूंकि एक्सप्रेशन जो है ये एफ एक्स हम लोग को कैसा दिया गया था पढ़ो, उसमें डिक्रीजिंग था कि इंक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग। तो चूंकि एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस वजह से एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू क्या रहेगा, जीरो। और जब ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा तो ये ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस टू माइनस वन बाई टू साइन स्क्वायर टू एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू क्या रहेगा, जीरो। और अब यहाँ पे टू हम लोग जो है एलसीएम ले लेते हैं तो ये टू ए बी प्लस टू बी स्क्वायर प्लस फोर माइनस साइन स्क्वायर टू एक्स, टू एलसीएम लेके उधर ट्रांसफर कर दिया। और मैकेनिज्म क्या बात हुई कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो टर्म एक साइड कर लो, कॉन्स्टेंट नंबर एक साइड। और उसके बाद मैंने ये भी बोला कि ट्रिग्नोमेट्री हो ये जरूरी नहीं, तुम्हारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो तो उसको क्या करना है, कॉन्स्टेंट नंबर एक साइड और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या एक साइड। और हमेशा जो एक्सप्रेशन एल्जेब्रा वाला हो या ट्रिग्नोमेट्री वाला हो उसका हमेशा हम लोग को क्या निकालना है, रेंज। क्या निकालना है, रेंज। अब वो रेंज निकालने के लिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऐसा भी बनाया जा सकता है, इतना हाई फाई फंक्शन बना दो बड़ा कि उसकी क्या रेंज हमें निकालने में सॉल्व करने के लिए अलग से उसको सॉल्व करना पड़े, ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग डेवलप कर सकते हैं वहां पर। तो यहां से टू बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस फोर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टू एक्स। और चूंकि यहां पर ये क्या हो गया, अब रेंज निकालने के लिए हम जब सोचेंगे तो ये साइन स्क्वायर टू एक्स ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन बन गया, तो इसका रेंज तो हम लोग को निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधे ही पता है क्या कि भाई साइन स्क्वायर टू एक्स इसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि ये पूरा एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर टू एक्स से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर टू एक्स से ग्रेटर कभी होगा, ये तभी होगा जब ये कहां पे हो, राइट में। तो दैट मीन्स कि ये पूरा एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर टू एक्स से ग्रेटर तभी हुआ जब ये पूरी वैल्यू, ये पूरा एक्सप्रेशन जो हो जाए किससे ग्रेटर हो जाए, वन से। तो यहां से जैसे इसको देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टू बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस फोर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू वन। अब वन को इधर ट्रांसफर कर लेंगे और अब ये क्या आ गया, टू बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस थ्री ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो। और अब पूरी क्लास क्या देख रही है कि यहां पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी, ए की वैल्यू निकालनी है और ये बी में क्या दे दी गई है, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बीच में कांस्टेंट है तो उसकी कैलकुलेशन हम लोग को ध्यान है, एक ही आदमी सॉल्व करेगा क्या उसका, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या था, लेस देन जीरो। अब चूंकि इक्वालिटी लगी है इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, लेस देन आर इक्वल्स टू जीरो। तो इसलिए जैसे यहां पे कंडीशन डालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन आर इक्वल्स टू जीरो, तो ये टू ए होल ऑफ स्क्वायर फोर ए की जगह टू सी की जगह दस, और यहां से फोर बाहर कर लिया तो ये ए स्क्वायर माइनस सिक्स लेस देन आर इक्वल्स टू जीरो, फोर हट जाएगा ए माइनस रूट सिक्स और ये क्या हो गया ए प्लस रूट सिक्स लेस देन आर इक्वल्स टू जीरो। और अब देन इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस प्लस लेस देन आर इक्वल्स टू जीरो यानी वैल्यू हम लोग को कैसे चाहिए, नेगेटिव। तो यहां से जो डाटा आ गया वो माइनस रूट सिक्स है प्लस रूट सिक्स चला जाएगा, तो ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू निकालने का मैकेनिज्म हो गया, बात समझे। तो ये इसकी कैलकुलेशन की बात होगी। एक फिर एक तरीके का क्वेश्चन और इसमें देखते हैं तब जाके ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पेज चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। एक सिंपल सी बात ये रहती है कि मिक्स कर दिए जाते हैं जैसे फंक्शन, कैसे मिक्स कर दिए गए, जैसे हमने लिख दिया कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, जी डैश एक्स
लेस देन जीरो, और हमको ये पता करना है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस वन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस वन बी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस वन ग्रेटर देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस वन सी जी ऑफ एक्स प्लस वन जी ऑफ एक्स माइनस वन जी एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जी ऑफ जी एक्स माइनस वन, कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है ये हम लोग बताने। चार ऑप्शन दे दिए गए, इसमें से कोई दो ऑप्शन देखने होंगे क्यों, क्योंकि एक बार फंक्शन एफ ऑफ जी के साथ डील कर रहा है और दूसरा जी ऑफ जी के साथ देख रहा है। तो कैसे शुरुआत करोगे इस क्वेश्चन की सॉल्विंग की, देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो दे दिया गया है, तो इसका मीनिंग तो ये फिक्स हो गया कि एफ एक्स जो है वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। और जी डैश एक्स लेस देन जीरो दे दिया गया है, तो उसका अलग जी एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग है। कोई समस्या इसमें? और जब कोई समस्या नहीं तो शुरुआत कैसे करोगे, कैसे चेक करेंगे कि कौन ग्रेटर है कौन सा लेस है? तो देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे बना है, एफ ऑफ जी के साथ अब इससे ऑब्जर्व करो, फिर दूसरा एक क्वेश्चन बनना है जी ऑफ जी। अब ऑब्जर्वेशन करो, यहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करो। तो देखो हमें जैसे इसमें देखना है तो ये क्या हो रहा है, अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं उसके इनपुट और आउटपुट के करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी का साइन बता सकता हूं कि नहीं बता सकता हूं। तो यहां से जरा देखो बात क्या, ये x प्लस वन और x माइनस वन में कौन वैल्यू ग्रेटर होगी जरा बताओ, g ऑफ x माइनस, नहीं x प्लस वन और x माइनस वन में सिर्फ कौन ग्रेटर होगा, x प्लस वन, सिंपल सी बात है कि भाई वन ग्रेटर है किसे, माइनस से, तो प्लस x हो जाएगा, तो यही होएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन की जैसे बात चल रही है तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या इन्वॉल्व है, जी, तो जी कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इनपुट और आउटपुट का साइन क्या रहता है, अपोजिट। तो यानी कि जैसे मैं जिस जी इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स, और जब ये रिवर्स हो गई तो अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके ऊपर एफ लगाना, एफ कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, तो एफ के लिए जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है ये इसका कैसा काम कर रहा होगा, इनपुट, ऐसे क्या काम कर रहा है, इनपुट। तो यहाँ पे जैसे सब लोगों ने देखा कि जब मुझे एफ अप्लाई करना था, एफ के लिए कौन सा काम कर रहा है, इनपुट का, और एफ वाला फंक्शन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, तो जैसे इसके ऊपर अप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी साइन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये इसका रिजल्ट। अब उसके बाद ये तो यहां से कौन सा रिजल्ट आके हम लोग के पास, ये वाला ऑप्शन टू है। अब इसके बाद जो बात आई वो जी के साथ बात चल रही है, तो जैसे जी वाले के बाद आएगी तो वंस अगेन कि एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन में कौन ग्रेटर है, एक्स प्लस वन ही ग्रेटर है किससे, एक्स माइनस वन से। अच्छा अब डबल बार जी लगा हुआ है, तो जैसे मैं जिसके ऊपर जी अप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा कि अपोजिट रहेगा, अपोजिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। बात समझे कि नहीं समझे, तो यहां से जी इसके ऊपर अप्लाई कर दो, तो जैसे ये जी अप्लाई हुआ तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स, और वंस अगेन फिर इसके ऊपर एक दोबारा जी लगा हुआ है, तो आप बताओ जरा दोबारा जी लगेगा तो साइन सेम रहेगा कि रिवर्स होगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। तो ये इसको डील करने का तरीका हो गया, अब जाके ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का काम हम लोग का हो गया खत्म। अब यहां से नेक्स्ट फिर हम लोग क्या शुरू करेंगे, एओडी का सेकंड टॉपिक क्या, मैक्सिमम और मिनिमम, तो ये नोट कर लेते हैं। ना ये हाँ उसने गलत दिया।
इसीलिए तो करा है, इसीलिए लिखो आप भाई यहाँ से शुरू करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम।